नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। यूपी के बलिया जनपद के बैरिया भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल। सुरेंद्र सिंह विधायक ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने ही राजनीतिक दुल्हन बनाया है। हिम्मत है तो इस्तीफा दें, किसी भी दल से जीत कर दिखाएं, तो हम लोग कहेंगे कि राजनीतिक सुहागन हो गए हो। जब चूड़ी खनखनाए हो तभी सुहागन हुए हो। सपा के पूर्व मंत्री ने पिछले दिनों दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिनका खुद का डीएनए खराब होता है वो दूसरों पर टिप्पणी करता है। वो अपना पारिवारिक डीएनए करा ले, पूर्व का 10 साल पहले का इतिहास पता चल जाएगा। ओवैसी के बयान में कहा कि सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी तो बेवसी है जो विकृति। ओवैसी के बयान में कहा, ओवैसी के बयान में कहा सुरेंद्र सिंह ने कि ओवैसी तो बेवसी है जो विकृत मानसिकता के लोग हैं। उसका शरीर यहाँ रहता है और मन पाकिस्तान में। मोदी सरकार दोबारा आई तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। समाचार टीजेट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर जी ने गोंडा में बयान दिया है कि जैसे जैसे शादी करीब आती है ढोल बजने लगते हैं, चाशे बजने लगते हैं। उसी तरह जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है राम मंदिर की धुन बनने शुरू है, रामराज क्या धुन बनने लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल में बहुत हिम्मत हो तो इस्तीफा दे करके और किसी भी दल से जाकर के जीत करके फिर हाथ अपना पीला कर ले तो हम लोग कहेंगे कि तू भी सुहागिन हो गई हो। लेकिन सुहागिन बनाने, राजनीतिक सुहागिन तो चाहे भले भी तुम कितना भी राजनीति करते हो, लेकिन राजनीतिक सुहागिन तो तभी बने जब चूड़ी खनकाए हो, तभी जब योगी जी और मोदी जी का मुहर तुम्हारे ऊपर लगाने तो नहीं मिलता। सर एक बयान और ये आया है कि सावित्रीबाई फुले जो आपकी सांसद थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जन विरोधी काम बीजेपी में हो रहा है। देखिए सावित्रीबाई फुले शुद्ध रूप से आप देखते ही हैं, बेस संत का है, भगवा बेस है और चिंतन पता नहीं क्या है, कौन सा आवेश है भगवान जन। तो जो लोग बाहर और भीतर में जिसमें अंतर है वो यही बात कहे गए, लेकिन जो बाहर भीतर की पवित्रता वाले जो भी नेता है वो मोदी और योगी के चरित्र के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। शायद हिम्मत हो जीत जाएगी तब कहेगी, उसका भी जो है हम लोग देख लेंगे। राजनीति में इस्तीफा दी है, इसके बाद जीत जाए तो कहा जाएगा कि तुम्हारा राजनीतिक व्यक्तित्व है। भाई शुद्ध रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी लोग भारतीय राजनीति की मुख्यधारा से, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा से हट करके काम करते हैं उनको पुनः धारा में आने